मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। अविवाहित महिला और पुरुषों को भी आवास योजना का मिलेगा लाभ। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी ने राज्य के कई कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर मारा छापा। कोल मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार है जारी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल वर्मा, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव, प्रवक्ता आरपी सिंह, विनोद तिवारी के ठिकानों पर चल रही है ईडी की कार्रवाई। ईडी ने ताबड़तोड़ करीब 2 विधायक समेत आधा दर्जन नेताओं के घर पर की छापेमारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी की पद यात्रा से घबराई हुई है बीजेपी और केंद्र सरकार। सीएम ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है, अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे क्या डरेगी। आज जब लगातार ये रेड डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ईडी छापे के बाद गरमाई सियासत। पंकज शर्मा के साथ सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता सन्नी अग्रवाल के घर के बाहर तो वहीं महापौर एजाज ढेबर, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल के घर के बाहर तो वहीं विधायक सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय, आरपी सिंह और विनोद तिवारी के घर पहुंचकर ईडी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वहीं ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मोदी अडानी के मुखौटे पहने आए नजर। ईडी की रेड के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की प्रेस रिलीज से पहले रमन सिंह प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। क्या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता हैं? रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उनके अधिकारी ने कहा था कि नान घोटाले का पैसा उस डोमेन में गया जहाँ जाँच नहीं की जा सकती। आखिर तब पैसा कहाँ गया था? क्या नागपुर गया था, दिल्ली गया था या फिर सीएम हाउस गया था? हम लोगों ने कहा कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में, 6,000 करोड़ कहीं कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। नांग घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, इसकी जाँच तो इन्होंने नहीं करते। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के घरों पर ईडी की रेड के बीच मल्लिका अर्जुन खड़गे का आया बयान। कहा कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उसमें 95% विपक्षी नेता है और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। कांग्रेस महाधिवेशन के पहले मोदी सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना भाजपा की कायरता को दर्शाता है। हम इन कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं है। मोदी जी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटालों पर रेड करें। लोकतंत्र के कुचलने के इस प्रयास का हम डट कर करेंगे सामना। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि आज अडानी जैसे लोगों पर रेड करने की जरूरत है। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाया है। हर दिन कांग्रेस सवाल पूछ रही है पर केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं है। ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे आधा दर्जन साथियों के ऊपर रेड हुआ है, हमारे कितने भी साथियों के साथ कार्रवाई करे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा महाअधिवेशन शानदार ढंग से होगा। संसद में हमारे नेताओं के वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। राहुल जी पर रेड की
राहुल जी को बुलाया गया क्वेश्चन के लिए, रेट नहीं क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। हमारे नेता सोनिया जी को बुलाया गया। ये किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। और जब राहुल जी ने ईडी की कार्रवाई से एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के नेता सकते में हैं, वहीं हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर विनोद तिवारी के घर छापे के दौरान उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनके स्वास्थ्य को लेकर सब फिक्रमंद है। कांग्रेस नेताओं की ईडी के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। आपको जो जाँच करना है हम आप स्वतंत्र है जाँच करने के लिए, और हम नीचे प्रदर्शन करेंगे। आपकी बात अरे इतना बुजुर्ग महिला को आप कैसे बैठा कर रहे सर? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट ना बात करना देना भाई, मेरे को बात करना देना। हम नीचे बैठे हैं, आपने आपने हमको बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, बात आपने कहा नीचे बैठे हैं, हम नीचे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हमारी माता जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको मेडिकल एड चाहिए, अगर उनको दवाई चाहिए, उनको खाना चाहिए, दूसरी बात मेंटल टॉर्चर मत करना। किसी को कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपको लोग लाओ करता है, हमने आप हाँ आपने हमको बोला हम नीचे बैठेंगे, आप हमारी बात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर थोड़ा भी पता लगा सर तो हम 1,000-1,500 घुसेंगे सीधा। नहीं बिल्कुल, बस हम बात तो सर खत्म, कानून राजनांदगांव बोर तालाब थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने की कायराना हरकत। चेक पॉइंट पर ड्यूटी में तैनात जवानों पर कर दी फायरिंग, जिससे 2 जवानों की मौके पर ही हो गई मौत। घटना के बाद भाग निकले नक्सली। इसके अलावा नक्सलियों ने जवानों की बाइक को भी किया आग के हवाले। बोर तालाब अंतर्गत आज एक कुछ घटना हुई है, जिसमें हमारा एक हवलदार राजेश सिंह राजपूत और CF का एक कांस्टेबल ललित कुमार समरथ, ये दोनों मोटरसाइकिल से सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कैंप से निकले थे और महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ गए थे। अचानक हथियारबंद वामपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया है और एक की मौके पर डेथ हो गई है, दूसरे हॉस्पिटल लाया जा रहा था, उस दौरान डेथ भी दोनों शहीद हो गए हैं। और क्या किस प्रकार से घटना घटित थी इसकी जाँच की जा रही है, घटनास्थल पर सभी मौजूद हैं। मनेंद्रगढ़ के खटगवां जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोनमती ने कहा कि मैं एक आदिवासी महिला हूं, बार बार मेरा तिरस्कार किया जाता है, कम से कम मेरे पद का होना चाहिए सम्मान। आज मैं जिस पद पर हूं उस पद की गरिमा है। बता दें कि कोडंगी पुल निर्माण के भूमि पूजन में अपमानित किए जाने का आरोप लगा सांसद के सामने ही अधिकारियों को जम के खरी खोटी सुनाते हुए मंच के सामने जमीन में ही बैठ गई थी। कल ग्राम पंचायत कोडांगी में पुल का उद्घाटन था, जिसमें संभाग के संसदीय सांसद महोदया जी भी उपस्थित थी, जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया। और मैं यहाँ स्थानीय जनपद की अध्यक्ष हूँ, ना वहाँ पाटिका में मेरा नाम था, ना पोस्टर में कहीं नाम नहीं था, लेकिन ये लोग मुझे बुलाना भी उचित नहीं समझे, कहीं ना कहीं मेरी पद की जो गरिमा है उसको समझते नहीं हैं। और कार्यक्रम ऐसे ही लगातार हो रहा है, लेकिन सारे नेतागण के साथ यही होता है कि कहीं मेरे को इनवाइट नहीं किया जाता है, ना तो मेरा नाम लिखा जाता है। आखिर क्यों, क्या मैं आदिवासी एक महिला हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? हमेशा मेरी पद का अपमानित किया जाता है। और जितने भी अभी ये काम स्वीकृत हुए हैं जो भाजपाइयों के कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है, वो सभी भाजपाई के कार्यकाल का काम स्वीकृत हुआ है, जो कांग्रेस अपना काम बता करके वाहवाही लेना चाह रहे हैं। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर आज 20 फरवरी को बड़ी संख्या में शिक्षक LB संवर्ग ने राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार हल्ला बोला। धरना प्रदर्शन के बाद इंकलाब और मांगों को बुलंद नारों के साथ रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बस्तर के बीजापुर भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में खेला गया खूनी खेल, 4 हत्यारे घर में घुसकर हेड कांस्टेबल की कर दी हत्या। छोटे भाई की शादी में ग्राम बेलचर आए प्रधान आरक्षक फन्नी राम वेट्टी की रात में 4 अज्ञात लोग घर में जबरदस्ती घुसकर टंगिया और चाकू से उतारा मौत के घाट। बिलासपुर में शासकीय राशि के गबन के आरोपी नगर पंचायत बोदरी के पूर्व अध्यक्ष
राम कुमार उपाध्याय को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले में 5 आरोपी पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। 2009 को चकरभाठा थाने में तत्कालीन अध्यक्ष सहित 5 लोगों के खिलाफ करीब 53 लाख रुपए के गबन का था आरोप। भिलाई नेहरू नगर के सूर्या मॉल में संचालित शहर के सबसे बड़े बार और रेस्टोरेंट लिस्टोमानिया बार एवं क्लब में देर रात SDM और IAS लक्ष्मण तिवारी ने की छापेमारी। बार के अंदर मिला भारी मात्रा में अवैध होलोग्राम, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रखे गए थे बाउंसर व अन्य स्टाफ। दूसरा होलोग्राम लगाकर बेची जा रही थी शराब, फिर भी नहीं हो रही थी कार्रवाई। NPG का डिजिटल चैनल लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।